अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं, कैन इंसेक्ट्स हैव मेमोरी। ये क्वेश्चन आपसे कोई भी बंदा पूछ सकता है कॉमनली, ठीक है। तो क्या इंसेक्ट्स में मेमोरी होती है? यू कैन से यस एट सम एक्सटेंट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो फ़ौरन से ये होगा कि एग्जाम्पल दें किसी ऐसे इंसेक्ट की कि जिसका आपको लगता हो कि वाकई इसने ये चीज़ मेमोराइज़ की है, इसकी मेमोरी में ये बात फिट है। तो सबसे पहला आंसर, सबसे पहली एग्जाम्पल जो आपके माइंड में आएगी वो है हनी बी। कैसे? हनी बी आपको पता है नेक्टर फीडर है। तो ये हनी बी की एबिलिटी है कि वो जो फ्लावर की शेप होती है ना उसको याद कर लेती है, अपने माइंड में रख लेती है, ठीक है। और उस शेप को वो कहीं भी किसी भी टाइम रिकॉग्नाइज कर सकती है। इसके बाद इसकी सेकंड एबिलिटी क्या होती है कि ये फूलों की जो स्मेल होती है, खुशबू होती है ना, उसको ये ना सेव कर लेती है, ठीक है। इसलिए अगर किसी अच्छी खुशबू का फूल मिल जाए तो ये उसकी ओडोर को अपने माइंड में फिट कर लेती है और दोबारा उसी तरह के फ्लावर्स जो है उनको सर्च करती है। ये बात हनी बी की नेचर में शामिल है। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने आज के टॉपिक में पढ़ने हैं सेंसरी ऑर्गन्स इंसेक्ट में। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है मैकेनोरिसेप्टर्स। मैकेनोरिसेप्टर्स क्या होते हैं? ऐसे रिसेप्टर्स जो रिस्पॉन्ड करते हैं मैकेनिकल प्रेशर को या किसी भी किस्म की डिस्टॉर्शन को, जैसे कि सीटा इसमें आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सीटा को देखते हैं, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन क्या है। तो ये माउथ पार्ट्स पे होते हैं, एंटीना पे हैं और इंसेक्ट लेग्स पे। लोकेशन में तीन चीज़ें आ गई, माउथ पार्ट्स, एंटीना एंड इंसेक्ट लेग्स। अब इनका फंक्शन क्या होता है कि अगर कोई इंसेक्ट को टच करे, एयर मूवमेंट हो या सबस्ट्रेट में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हों, तो ये सीटा जो है ना, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ये डिस्प्लेस हो जाएंगे, यानी कि अपनी पोजीशन से हट जाएंगे, जो फ़ौरन से सेंसरी रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देगा और वो रिस्पॉन्स करेंगे। सेकेंड वन इसमें आते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? जॉइंट्स पे या फिर क्यूटिकल के बाकी पार्ट्स पे। अब स्ट्रेच रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? ये दो काम करते हैं, एक तो ये पोस्चर यानी वो किस स्टाइल में है इंसेक्ट उसको मॉनिटर करते हैं, उसकी पोजीशन, पोस्चर और पोजीशन, ये दो चीज़ों को मॉनिटर करेंगे। थर्ड वन इज़ हेयरिंग। यस, हेयरिंग इज़ आल्सो मैकेनोरिसेप्टिव सेंस। हेयरिंग में क्या होता है कि एयरबॉर्न प्रेशर वेव्स, यानी जो एयर के मूवमेंट के थ्रू वेव्स आ रही है ना, वो डिस्प्लेस कर देती हैं सर्टेन रिसेप्टर्स को, दैट इन टर्न लेड्स टू द हेयरिंग ऑफ दैट इंसेक्ट कैन हेयर एनीथिंग। अब ये पिक्चर जब हम फर्स्ट देखते हैं ना, फर्स्ट टाइम, तो हमें बड़ी कंफ्यूजिंग सी लगती है, यानी हर पोर्शन पे डिफरेंट इंसेक्ट का नाम है। तो इसका क्या मतलब है कि ये पिक्चर डिपिक्ट कर रही है कि इस इंसेक्ट में जो हेयरिंग के रिसेप्टर्स हैं या फिर जो एयर है वो इस पोजीशन पे है। जैसे ये देखें, फ्रूट फ्लाइज, मस्कीटो और हनी बी में बेस ऑफ एंटीना पे हैं। उसके बाद ये कह लें कि हॉक मोथ्स हैं, इनमें ये देखें ये इस पोजीशन में प्रेजेंट हैं। उसके बाद कुछ में विंग्स में प्रेजेंट हैं, जैसे ये क्रिकेट्स और कैटीडिड्स हैं, इनमें फोर लेग्स में प्रेजेंट हैं। तो ये पोजीशन बताई गई है कि किस इंसेक्ट में किस पोजीशन पे हेयरिंग रिसेप्टर्स या फिर एयर प्रेजेंट हैं। जैसे साइकेड्स में देखें तो सेकंड सेगमेंट है एब्डोमेन का, वहाँ पे हैं। प्रेइंग मैंटिड्स में देखें, थर्ड जो पेयर है लेग का, उसकी बेस पे प्रेजेंट हैं। अब हेयरिंग के ये जो रिसेप्टर्स हैं ना, उनकी टाइप्स दो हैं। एक तो जनरलाइज्ड रिसेप्टर्स हैं जिसमें सीटा वगैरह आ जाते हैं। सेकेंड है स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स जिसमें दो आते हैं, एक तो जॉनस्टन ऑर्गन है और सेकंड टम्पेनल ऑर्गन है। ये पिक्चर जो है ना, ये टम्पेनल ऑर्गन की है। अब हम सबसे पहले देखते हैं जॉनस्टन ऑर्गन, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बेस ऑफ एंटीना में,
हमने भी पीछे देखा ना कि मॉस्किटोज और फ्लाइज में जो एयर रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, बेस ऑफ एंटीना में। अब क्या होता है कि जैसे ही कोई स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी का साउंड आता है ना, तो जो सीटा होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, और इनकी वाइब्रेशन से क्या होता है, एंटीना जो है ना वो वापस अपने सॉकेट में मूव कर जाता है। और इस तरह क्या होता है कि इसका सॉकेट में मूव करना एक स्टिमुलस के तौर पे काम करता है और वो स्टिमुलेट कर देता है सेंसरी सेल्स को। साउंड वेव्स होती हैं, ये फ्रिक्वेंसी उनकी कितनी हो सकती है, 500 से 550 साइकल्स पर सेकंड। वो अट्रैक्ट करती हैं और एलिसिट करती हैं मीटिंग बिहेवियर इन मेल मॉस्किटोज। अब ये जो है ना, ये साउंड वेव्स इतनी रेंज में होती हैं कि विंग्स ऑफ फीमेल प्रोड्यूस, मतलब जो फीमेल विंग्स से प्रोड्यूस होती है ना साउंड वेव्स, उनकी फ्रिक्वेंसी इतनी होती है कि वो मेट को, पोटेंशियल मेट को अट्रैक्ट कर सके। अब सेकंड वन है टेम्पेनल ऑर्गन्स। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रिकेट्स और कैटीडीड्स की लेग्स में होते हैं, ग्रास होपर की अब्डोमन में होते हैं, कुछ के थॉरेक्स में होते हैं, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि एक लार्ज एयर सैक होती है, उसको किसने कवर किया होता है, थिन क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन ने, यानी क्यूटिकल की एक थिन मेम्ब्रेन इसको कवर कर लेती है। अब ये जो सैक है ना, ये रेजोनेटिंग चैम्बर के तौर पे एक्ट करती है, कैसे कि साउंड वेव्स जो है ना वो इको की फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, सेंसरी सेल्स होते हैं। अब उन सेंसरी सेल्स का काम क्या होता है, प्रेशर वेव्स जितनी भी आती हैं ना उनको डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ग्रास होपर में है ना, वो डिटेक्ट कर सकते हैं 1000 से 50,000 साइकल्स पर सेकेंड। टेम्पेनल ऑर्गन्स जो है ना, ये बाईलेटरली प्लेस हैं, यानी ये है तो किसी भी साइड पे ये प्लेस हो सकते हैं। इस तरह ये जो हेयरिंग का मैकेनिज्म है ना उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नेक्स्ट सेंस है कीमोरिसेप्शन। अब ये पिक्चर हमें बता रही है कि कीमो रिसेप्टर्स इंसेक्ट्स में कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं इनकी लोकेशन क्या है। माउथ पार्ट्स पे हैं, एंटीना पे हैं, लेग्स में हैं और ओवीपोजिटर पे, यानी ये चार जगह पे जो कीमो रिसेप्टिव सेंस कैले सेल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। अब इनका काम क्या होता है, फीडिंग में हेल्प करते हैं, एग लेइंग साइट सेलेक्ट करने में, मतलब इन्होंने कहाँ पे एग ले करने हैं उन साइट्स को सेलेक्ट करने में, उसके बाद मेट लोकेशन में, और समटाइम्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी ये हेल्प आउट करते हैं। अब जो कीमो रिसेप्टर्स हैं ना, ये वेरियस शेप्स की फॉर्म तरह होते हैं, ठीक है, कैसे, कुछ हेयर्स की शेप ले लेते हैं, कुछ ऐसे पिट की शेप ले लेंगे, और क्या होता है कि इनमें ना नर्व एंडिंग्स होती हैं और टॉप पे पोर्स होते हैं, ठीक है। अब केमिकल्स डिफ्यूज कर जाते हैं इन पोर्स के थ्रू इन नर्व एंडिंग्स में। अब लाइट, इंसेक्ट जो है ना वो लाइट भी डिटेक्ट कर सकते हैं। लाइट डिटेक्शन इनको कैसे हेल्पफुल होती है, आइए देखते हैं। लाइट डिटेक्शन हेल्प करती है इनको अपनी पोजीशन ओरिएंट करने में, नेविगेशन में, फीडिंग में। अब देख लें कीमो रिसेप्शन भी जो थी ना वो फीडिंग में हेल्प कर रही थी, इसके अलावा कुछ और फंक्शंस में भी। इंसेक्ट्स में होती है कंपाउंड आइज। ये स्ट्रक्चर है कंपाउंड आई का, सबसे टॉप लेयर देखें लेंस हैं, सेकंड क्रिस्टलाइन कॉन्स हैं, इसके नीचे हैं रेटिनुला सेल्स, रेटिनुला सेल्स के अंदर रेबडम सेल्स प्रेजेंट हैं, और ये सेकेंडरी पिगमेंट सेल्स हैं। टॉप पे प्राइमरी पिगमेंट सेल्स, ये जो लाइट पर्पल कलर के हैं, और दरमियान में ये जो रेड कलर के हैं ये सेकेंडरी पिगमेंट सेल्स हैं। कंपाउंड आई बनी किससे होती है, इसमें होते हैं कुछ से लेके ना, मतलब वेरी फ्यू से 28,000 रिसेप्टर्स। फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड आई है ना, तो इसमें हर जगह जो है वो रिसेप्टर्स ही रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, उनको हम कहेंगे ओमाटीडिया। ओमाटीडिया इसको क्या कर देते हैं कि मल्टी फेसिटेड आई बना देते हैं, कैसे कि हर जगह जो है ना वो ओमाटीडिया होंगे, हेल्प करेंगे इनकी किसी भी साइड पे देखने में, ठीक है। यानी कि आउटर सरफेस ऑफ ईच ओमाटोडियम इज लेंस एंड इज वन फेसेट ऑफ आई, यानी वो एक साइड के तौर पे काम करेगा।
अब क्या होता है, लेंस के नीचे क्रिस्टलाइन कोन, मैंने आपको पहले बताया टॉप पे लेंस है, सेकंड पे क्या है क्रिस्टलाइन कोन है, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लाइट गैदरिंग स्ट्रक्चर्स। अब क्या होता है, ओमाटीडियम में ना रेटिनुला सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें एक स्पेशल लाइट कलेक्टिंग एरिया होता है, ऐसे बने हुए थे ना रेटिनुला सेल और उनके दरमियान में एक एरिया था, यहाँ पे देखें ये रेटिनुला सेल हैं और इनके दरमियान में रेबडम प्रेजेंट है। रेबडम क्या होते हैं, लाइट कलेक्टिंग एरिया, ये क्या कर, इनका काम क्या होता है, कन्वर्ट कर देते हैं लाइट एनर्जी को नर्व इम्पल्स में। पिगमेंट सेल्स राउंड कर रहे हैं क्रिस्टलाइन कोन को, अभी हमने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी पिगमेंट सेल्स थे, और इनका काम क्या होता है कि ये प्रिवेंट करते हैं कि जो लाइट है ना वो स्ट्राइक कर रही है रेबडम को फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग इनटू एडजेसेंट ओमाटीडियम, यानी कि जो एक रेबडम पे लाइट आ रही है ना उसको ये दूसरे ओमाटीडियम की तरफ जाने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अब हाउ कैन बीज डिटेक्ट ब्लोइंग फ्लावर्स इन विंड, कभी सोचा है कि जब आंधी चल रही होती है तब भी बीज जो है वो नेक्टर कलेक्ट कर रही होती हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल, एंड हाउ कैन प्रेडेटरी इंसेक्ट्स डिटेक्ट मूविंग प्रे, मतलब एक प्रे बहुत फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको एक इंसेक्ट कैसे कैप्चर कर लेता है, ये किसकी हेल्प से पॉसिबल है, वन एंड ओनली कंपाउंड आइज की हेल्प से, ठीक है, ये मूवमेंट को डिटेक्ट करती हैं और लेस देन 0.1 जो है ना उसको भी डिटेक्ट कर लेती हैं। कंपाउंड आइज क्या करती हैं, डिटेक्ट करती हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट द ह्यूमन आई कैन नॉट डिटेक्ट, यानी ये अल्ट्रावायलेट जो है ना लाइट उसको भी डिटेक्ट कर लेती हैं, और सम इंसेक्ट्स में कंपाउंड आइज डिटेक्ट करती हैं पोलराइज्ड लाइट को भी। अब अक्सर ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है कि जब क्लाउडी डेज होते हैं तो तब जो हनी बी है वो या दूसरे इंसेक्ट्स हैं वो अपना रास्ता किस तरह ढूंढते हैं, तो उसका आंसर यही है कि ये डिटेक्ट कर सकते हैं पोलराइज्ड लाइट को, दैट्स व्हाई। अब इनमें कंपाउंड आइज के अलावा होती हैं सिंपल आइज भी, ये पिक्चर में देखें ये तीन, इनको हमने कहा ये ओसिलाए हैं, ये साइड पे देखें ये कंपाउंड आइज हैं और दरमियान में तीन जो है ना ये ओसिलाए प्रेजेंट हैं। ओसिलाए में क्या होता है कि 500 टू 1000 रिसेप्टर सेल्स होते हैं और इनमें सिंगल क्यूटिकुलर लेंस होता है। अब ओसिलाई का काम क्या होता है, कंपाउंड आइज के होते हुए ओसिलाई की क्या ज़रूरत है, तो ओसिलाई का काम क्या होता है कि ये डिटेक्ट करते हैं लाइट इंटेंसिटी में चेंज को, और ये किस में हेल्पफुल होते हैं, रेगुलेशन ऑफ डेली रिदम्स में, यानी जो बायोलॉजिकल रिदम्स होते हैं ना उनको, उनकी रेगुलेशन में ओसिलाई यानी कि सिंपल आई का बहुत मेजर रोल है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, इसके बाद इंसेक्ट्स का हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि इनकी रिप्रोडक्शन और मेटामॉर्फोसिस के बारे में है, तो वो इंशाल्लाह हम कल स्टडी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच।